राजस्थान मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष राज्य मंत्री एमडी चौबदार रविवार को सुल्तानपुर नगर के दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस प्रवक्ता मंजूर तवर और अंजुमन कमेटी सदर अब्दुल मजीद के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ 51 किलो के पुष्पहार के साथ उनका स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद सैकड़ों लोगों के साथ जुलूस के रूप में वह कार्यक्रम स्थल अंजुमन कमेटी मदरसा जिजिया की नई बिल्डिंग पहुंचे। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पहली बार सुल्तानपुर नगर में पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज को जमीन आवंटन करने, शिक्षा अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान समेत मदरसा जिजिया को आदर्श मदरसा घोषित करवाने की मांग का यहां ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौबदार ने हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। साथ में ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शकील नमाज प्रभारी अल्पसंख्यक कांग्रेस राजस्थान, रियाज फारूकी सदस्य राजस्थान हज कमेटी, नियाज अहमद निक्कू प्रदेशाध्यक्ष पीस मिशन राजस्थान, डॉक्टर रशीद खान त्रिपुरा प्रभारी लियाकत मौजूद रहे, जिन्हें भी प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंजूर तवर ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सदर सादिक मंसूरी, पूर्व सरपंच मांगीलाल, मोनुद्दीन मुजीब लाहौरी, अब्दुर्रार हुसैन हकीमी, रईस पलायता, ताज पठान, सर काजी हाफिज इकरामुद्दीन, अंजुमन कमेटी सेक्रेटरी आजाद कामरेड, सचिव मरगूब, शिक्षा अनुदेशक अध्यक्ष अफजल गुलजार, जेड सलीम कामरेड, रही शेड समेत कई मौजूद थे। इस दौरान मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया गया। तो